दोस्तों, युजवेंद्र चहल उन दो व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने T20 में 6 विकेट लिए हैं। पिछले कुछ सालों में अपनी जबरदस्त बॉलिंग स्किल से भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की करने वाले युजवेंद्र चहल क्रिकेट के साथ साथ शतरंज के लिए भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आज हम इसी युवा खिलाड़ी की जिंदगी को थोड़ा करीब से जानेंगे, तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, युजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के एक शहर जींद में हुआ था। युजवेंद्र के पिता एक सरकारी वकील है। युजवेंद्र की दो बड़ी बहनें भी हैं। पांच लोगों का यह छोटा सा परिवार पिता की छोटी सी आय में जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन उस वक्त परिवार वालों को यह कहां मालूम था कि युजवेंद्र एक दिन इतने बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे कि भारत का यह हर युवा उन्हें जानने लगेगा। युजवेंद्र की स्कूली शिक्षा जींद शहर के ही DAV पब्लिक स्कूल में हुई, लेकिन बचपन से ही उनका पढ़ाई में मन काफ़ी कम ही लगता था। वह तो अपने शतरंज के खेल में ही व्यस्त रहते थे। शतरंज का खेल उन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी शतरंज का शौक भी बढ़ता जा रहा था। जल्द ही युजवेंद्र को अपनी इस प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का मौका मिला। जब 10 साल के थे तभी उन्होंने शतरंज की U12 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। यह उनकी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, और इसके बाद उन्हें ग्रीस में हुए जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए शतरंज खेलने का मौका मिला। शतरंज का खेल उनके जीवन का हिस्सा बन गया था, और परिवार के लोग भी उनके इस शौक से काफ़ी खुश थे। हालांकि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी करे, लेकिन पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वे युजवेंद्र को हमेशा सपोर्ट करते थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शतरंज के साथ साथ क्रिकेट का शौक युजवेंद्र के जीवन में कब जुड़ा, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। एक बार की बात है, युजवेंद्र के मामा उनके घर आए थे और वे क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी थे। एक दिन की बात है, घर पर कोई खास काम ना होने की वजह से युजवेंद्र और उनके मामा मोहल्ले की एक ग्राउंड में ही दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। मैच के दौरान युजवेंद्र की बॉलिंग जबरदस्त थी, और युजवेंद्र के मामा को इस बात का यकीन हो गया था कि अगर युजवेंद्र को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो वह एक जबरदस्त क्रिकेट के खिलाड़ी बन सकते हैं। यह बात उन्होंने युजवेंद्र के पिता से कही। उनके पिता ने भी इस बात को गहराई से लिया और अपनी पुश्तैनी 1.5 एकड़ जमीन को क्रिकेट की पिच के रूप में बनवा दिया। यहाँ पर युजवेंद्र अपने दोस्तों के साथ रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, सन 2006 आते आते युजवेंद्र की शतरंज में दिलचस्पी काफ़ी कम हो गई थी, और साथ ही शतरंज को सपोर्ट करने के लिए उनको कोई स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस वक्त क्रिकेट पूरे देश में फल फूल रहा था। इसी के चलते युजवेंद्र ने शतरंज को छोड़कर क्रिकेट में ही अपना कैरियर बनाने की ठान ली। वक्त के साथ साथ युजवेंद्र भी क्रिकेट में माहिर होते गए। दोस्तों, इसके बाद भी युजवेंद्र कई सारे राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के टूर्नामेंट का हिस्सा बने रहे, और इसी के चलते सन 2011 में उन्हें मुंबई इंडियंस ने IPL के लिए साइन कर लिया। मुंबई इंडियंस के लिए लगातार 3 सीजन खेल चुके युजवेंद्र चहल अब तक IPL में अपना हिस्सा पक्का कर चुके थे। दोस्तों, इसके बाद सन 2014 में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स ने 10 लाख की बेस मूल्य पर खरीदा, और युजवेंद्र भी रॉयल चैलेंजर्स के भरोसे पर बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने IPL 2014 में दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ एक मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। दोस्तों, यह मैच उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें सन 2016 में जिम्बाब्वे जाने वाली भारतीय टीम के लिए टिकट मिल गया था। हालांकि यहां पर उन्होंने संतोषजनक प्रदर्शन ही दिया, लेकिन सन 2016 में IPL सीजन में उन्होंने 21 विकेट चटकाए। दोस्तों, IPL 2016 में वे स्टार विकेटर के रूप में भुवनेश्वर कुमार के बाद दूसरी सबसे जबरदस्त पसंद बन गए। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और ODI सीरीज में स्टार बॉलर रविंद्र चंद्र अश्विन और जडेजा को भी रेस्ट पर भेजा गया था, और इसका फायदा युजवेंद्र को जबरदस्त हुआ। उन्होंने तीसरे और अंतिम T20 मैच में जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 25 रन देकर 6 विकेट झटके, जो कि मैच का सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड था, और इसी की बदौलत भारतीय टीम इंग्लैंड को 75 रनों की बड़े अंतर से हार देने में कामयाब रही। इसी मैच के बाद युजवेंद्र लगातार भारतीय क्रिकेट टीम में
अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं और एक के बाद एक क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। शतरंज के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले युजवेंद्र चहल आज भारत के हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमें उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अपने जुनून को अपना कैरियर बनाना है तो लगातार अपने जुनून में मेहनत करनी पड़ेगी और एक दिन वह दिन आ ही जाएगा जब आप भी युजवेंद्र चहल की तरह देश भर में अपना नाम रोशन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह छोटी सी बायोग्राफी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही वीडियोस आप लगातार पा सकते हैं। धन्यवाद।